गाइस यहाँ पे एक जूता लगा दिया ताकि कोई बाहर से देखे तो उसको नज़र ना लगे आम का, नहीं आम को नज़र ना लगे किसी का, ताकि गाइस आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग में हम दिखाने जा रहे हैं कि हमारे घर में जो पेड़ पौधा है, कुछ किसका पेड़ पौधा, ज़्यादा कुछ तो नहीं है पर दो तीन गाछ है, दो तीन पौधा है, तो चलिए उसी को आज दिखाते हैं क्या क्या हमारे घर में अवेलेबल है। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं चीकू के खेत से। यहाँ पे चीकू का सारा घास लगा हुआ रहता है, चीकू मीकू यहाँ पे ही घास खाते रहता है हमेशा। आपको दिखा सकते हैं यहाँ थोड़ा हरा भरा भी घास है, यहाँ पे और घास लगाएंगे और चीकू यहाँ पे खाता है। सामने ये गेंदा फूल का गार्डन है और हमारा पेड़ का बात किया जाए तो यहाँ पर हमारा तुलसी गाछ है और ये है बेदाना गाछ, जिसको प्रोटेक्शन के साथ रखे क्योंकि चीकू मीकू क्या होता है इस पर खड़ा होकर इस डाल को बार बार तोड़ देता। और गाइस ये रहा है मैंगो का गाछ, जो आम का गाछ हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैंगो यहाँ पे आया है, दिखा सकते हैं और काफ़ी बड़ा भी हो गया है। अभी के हिसाब से इतना बड़ा मैंगो अभी अवेलेबल नहीं है, देख सकते हैं बड़ा बड़ा मैंगो यहाँ पे हो गया। और सबसे बड़ी बात ये मैंगो देखिए कितना नीचे है, यहाँ हाथ पे देके आराम से इसको तोड़ सकते हैं और काफ़ी प्यारा लग रहा है। बस डर यही है कि कोई बाहर से आके तोड़ सकता है। तो मैंगो का गाछ दो गो है हमारा फिलहाल, और भी था लीची का गाछ, ये सब ये हो गया है और आगे नया वाला घर में हम लोग लगाएंगे, देख सकते हैं। तो गाइस जो नीचे मैंगो का बात करते देखिए इससे गाइस यहाँ पे सारा आम मेरे पास ही है और बहुत ही नीचे है, इसको आराम से तोड़ के खा सकते हैं जब ये बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होगा तो और थोड़ा नीचे आ जाएगा। और गाइस यहाँ पे एक जूता लगा दिया ताकि कोई बाहर से देखे तो उसको नज़र ना लगे आम का, नहीं आम को नज़र ना लगे किसी का, ताकि आम सही से रहे। और गाइस देख सकते हैं एक ऐसा जगह है जहाँ पे बिना पत्ता का आम है, एक भी यहाँ पे पत्ता नहीं हुआ किंतु यहाँ पे आपको तीन आम देखने के लिए मिलता है और आम काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो गाइस फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले बहुत सारा चीज़ था, तो पहले बहुत सारा पेड़ पौधा था, अब वहाँ पे एक गार्डन बनाया जा रहा है, उसको पापा उसको सारा ये डेकोरेट किया करेंगे, वहाँ पर साग सब्जी फल फूल का गाछ उछ लगाया जाएगा। और याद आ रहा है कि एक टमाटर गाछ और एक सनफ्लावर का गाछ बाहर भीतर में है, पीछे साइड है वहाँ पर, और एक धतूरा का गाछ है बाहर में, तो चलिए वो दिखाते हैं आपको। तो गाइस यहाँ पे एक टमाटर गाछ है और बता दें आपको यहाँ पे एक सनफ्लावर का पेड़ है, पेड़ तो अभी अवेलेबल है पर इसका फूल टूट चुका है। और ये जो है ना गन्ना का गाछ है हमारा, पीछे में काफ़ी गन्ना गाछ लगाए हैं, ये चिड़िया लोग खाता है और बेसी बचा नहीं है, 20-25 गन्ना होगा यहाँ पर। तो गाइस बाहर का धतूरा गाछ यही है जिसमें फूल लगता है किंतु सुबह सुबह सब लेके चल जाता है, अभी एक फूल थोड़ा सा बचा हुआ है, पूजा में सब यूज़ हो जाता है। तो गाइस हम लोग के पास जो था हम लोग दिखा दिए हैं, इससे भी बड़ा गार्डन हमारे सामने है, एक आंटी के पास है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए अगर गार्डन देखना है तो हम लोग जाएंगे उनके पास। बहुत आम गाछ, कटहल गाछ और बहुत वैरायटी ऑफ गाछ है, ज़्यादा के बारे में हम जानते भी नहीं है, दवा का गाछ पान पत्ता सब कुछ है उनके पास, तो कमेंट करके बताइएगा तो हम लोग जरूर जाके वहाँ पर वीडियो बनाएंगे। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।